हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसे कि पता है, पबैड का हमारा कोर्स चल रहा है। और पबैड के कोर्स में देखिए, पार्ट वन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्ट वन पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारी सीरीज, यानी कि पेपर वन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट वन बोल सकते हैं आप, ठीक है। और यूनिट वन में क्या क्या चैप्टर्स हैं ये हम देख रहे हैं। और साथ में देखिए, जो थ्योरिस्ट है, थ्योरिस्ट वाला पार्ट भी मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है। तीन चार थ्योरिस्ट मेजर मेजर बचे हैं, और उसके बाद दो तीन थ्योरिस्ट जो हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, बट यूपीएससी उनसे क्वेश्चन पूछती रहती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्ट्रेटेजी रहेगी। चलिए देखते हैं क्या क्या जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये वाला मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद विल्सन विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो मैंने थिंकर्स में आपको पढ़ा दिया है और काफ़ी लोगों ने देखा है, ठीक है। इसके व्यूज़ भी हैं, यानी कि काफ़ी लोगों ने जो है इसकी तारीफ भी की है। तो आप पक्का देखिए, बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया है, बिल्कुल। आपको एक बार आप वीडियो देखेंगे ना, आप बिल्कुल अगर पहली बार भी देख रहे हैं तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस। तो ये वाला टॉपिक अभी हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप, जो ये पार्ट देखने के बाद आपको जो है समझ आ जाएगा। इनके बारे में आप आंसर भी लिखिए और मुझे भेज सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये मैंने दे दिया, अभी यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में मैं टाइम ज़्यादा लगाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। ये सब पांच क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लिखिए। 60 60 नंबर का, 60 का मत लिखिए, आप इसको लिख लीजिए मान लो 20 नंबर के हिसाब से, ठीक है। 250 वर्ड में लिख लीजिए। इतने 60 नंबर के पहले क्वेश्चन आते थे, आज वो ट्रेंड नहीं रहा है, ठीक है। तो 60 नंबर के हिसाब से मत लिखिए इसको, 20 नंबर के हिसाब से 250 वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इवोल्यूशन की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए, दो चीज मानी जाती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एक्टिविटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस ऑफ स्टडी, ठीक है। साइंस ऑफ स्टडी, तो एक तो साइंटिफिक तरीके से हम पब्लिक एड को जो है स्टडी करें। और देखिए, मैंने पब्लिक एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा एडमिन लिख दिया, क्योंकि बार बार टाइप करने में थोड़ा इशू रहता है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए, अगर बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की तरह जो आज से नहीं चलता आ रहा है, ये कह रहे जब से जो है एक तरह से इंसान का जन्म हुआ है, ठीक है, एक फैमिली बनी है, ठीक है। फैमिली है, कोई क्लैन है, ठीक है, कुछ भी बना है, कोई भी ट्राइब है, ये तब से ही चीजें चलती आ रही है। तो एक एक्टिविटी की तरह तो ये काम कर रहा था, लेकिन एज ए सब्जेक्ट की बात करें तो ये रिसेंट ही है। यानी कि अगर एज ए सब्जेक्ट की बात करें, विषय की बात करें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही नई चीज है, बहुत ज्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। 1890s के बाद जो है वुडरो विल्सन का जो एक एसे पब्लिश हुआ था, उसके बाद ही एज ए सब्जेक्ट जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। उससे पहले एज ए एक्टिविटी, तो आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी कब कब थी, ये कहते हैं कि देखिए जब से सोशल लाइफ शुरू हो रही है तब से ही इसको मान सकते हैं। देखिए, जब काफी सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट की, चाइना की, इंडिया की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, तो ये जो सिविलाइजेशन थी इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था। और जो इनकी क्लैन होती थी या फिर जो हेड होते थे, उनकी तरफ से कुछ लोग अपॉइंट किए जाते थे, तो इस तरह का काम होता था। इसके बाद देखिए, काफी किंगडम्स आई, ठीक है, एम्पायर्स आए, बड़े बड़े एम्पायर्स आए, और उन लोगों ने अपने लोगों को अपॉइंट किया कि आप ये चीज देखिए, आप ये चीज देखिए, ये डिपार्टमेंट देखिए। तो इस तरह अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी तो बहुत ना चलता आ रहा है। देखिए, पहले वाटरवेज को रेगुलेट करना, नाइल वैली के अकॉर्डिंग, नाइल वैली के आसपास जो है वाटर सप्लाई को पूरा देखना, ये सब चीजें जो छोटी छोटी एक्टिविटीज थी, तो इनको रेगुलेट करने में भी कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता था। बीच में अगर बात करें तो देखिए ये, लेकिन जो सिस्टम होता था, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक एडमिन होता, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कि देखिए जो राजा चाहते थे, किंगडम चाहते थे, वो उन्हीं लोगों को अपॉइंट करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग ही चलती थी ये चीजें। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो था, लेकिन सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था कहीं ना कहीं। एंटायर आज की जो ब्यूरोक्रेसी है वैसा नहीं, लेकिन अलग रूप में था। ये कहते थे कि इंडिया के अंदर भी रिपब्लिक्स आए, किंगडम्स आए, इंडो गैंगेटिक वैली में, हमारे आपको पूरा पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर किस तरह किंगडम्स थे, ठीक है। 12 किंगडम, अंग किंगडम हो गया, ठीक है, मगध किंगडम हो गया, तो ये सब बहुत से किंगडम्स थे। रिपब्लिक्स बाद में क्रिएट हुए वेस्टर्न इंडिया में, तो ये रिपब्लिक्स के टाइम भी ऐसा कहते कि उस टाइम भी था, लेकिन जो सिस्टम था वो थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मेडिवल टाइम में देखिए फ्यूडल सिस्टम था, तो फ्यूडल के अंदर एनार्किक और डिसेंट्रल, एनार्किक तो था लेकिन थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने लग गया था। इसके बाद कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी में और क्या था, देखिए वॉर टाइम सिचुएशंस आती थी, आपको पता है कि पहले राजाओं के वॉर होते थे, तो उस टाइम जो है काम को बहुत ज्यादा होता था, कॉन्स्टेंट इंक्रीज होता था। तो इस तरह देखिए, सैनिकों को अलग रिक्रूट किया जाता था, ट्रेजरर्स को अलग रिक्रूट किया जाता था, जो वेपन वगैरह बनाते थे उनको अलग रिक्रूट
ऐसे रिक्रूट हुआ था होता था, ठीक है। एक घर से कोई अगर वेपन बनाता है तो उसके बेटे को जो है वो वेपन बनाने लगता था। तो इस तरह के काम होते थे और वो टाइम सिचुएशन में काम बढ़ जाते थे। इसके बाद ये कह सकते हैं, तो उस टाइम की जो सिविल सर्विस थी उसमें जो रिक्रूटमेंट होती थी वो पैट्रोनेज बेसिस पे होती थी। यानी कि अगर मानो एक पापा किसी के घर पे, कोई पापा अगर वो काम करते तो उसके बाद वो बच्चा वो काम करेगा। तो इस तरह चीजें होती थी, ठीक है। अब ये कहते हैं देखिए, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। डेमोक्रेसी की ग्रोथ होने लगी और इश्यूज जो है वो और कॉम्प्लेक्स होने लगे। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स होने लगे तो उसके बाद जो है इसकी डिमांड बढ़ने लगी कि देखिए ऐसा जो है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जो स्पेसिफिक काम को करे, और उनमें रिक्रूटमेंट जो होगी वो स्पेशलाइज तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद देखिए ये कहते हैं, दो वर्ल्ड वॉर भी पूरा समराइज कर रहे हैं जब से स्टार्ट हुआ और आखिर तक ये समराइज किया कि एज एन एक्टिविटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब से काम कर रहा है, ठीक है। ये कहते हैं देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उस टाइम में, देखिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी कि रिकंस्ट्रक्शन करना है, रिलीफ वर्क करना है, तो उन चीजों को टैकल करने के लिए भी आप समझ सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बड़ा योगदान रहा था। लेकिन मैं फिर ये बात बता रहा हूं कि देखिए ये चीजें होते होते भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट जो है वो नहीं, जो है एक तरह रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। इसके बाद देखिए 1929 इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, प्राइसेस वगैरह जो है घटने बढ़ने लगे, डिमांड जो है डिमांड बढ़ने लगी लोगों की, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, फेयर प्ले, ये सब डिमांड आने लगी। तो इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की और इंटरफेरेंस जो है रिक्वायर होने लगी कि और ज्यादा इंटरफेरेंस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा तभी इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये कहते हैं कि देखिए एविएशन सेक्टर के आने के बाद, वायरलेस सिस्टम, रेडियो वगैरह आने के बाद तो क्या हुआ है, जब एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो एक कंट्री में ही रहता था वो इंटरनेशनल, यानी कि एक तरह से इंटरनेशनल उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं लिंकेजेस देखने को मिले, तो बोल सकते हैं कि आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नेशन तक नहीं रह गया, वो सभी नेशंस तक चला गया, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, पहले ट्राइब्स थी, ठीक है, उनका भी एक सिस्टम होता था, फिर कुछ किंगडम्स आए, किंगडम्स का भी सिस्टम होता था, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इनका भी सिस्टम होता था। अभी सब सिस्टम्स को रन करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को रिक्रूट करना पड़ता था। शुरू में लोग बहुत लोकल लेवल पे होने लगे, लोकल लेवल पे, उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे भी धीरे धीरे वर्ल्ड वार हुआ, एविएशन सेक्टर आया, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे पूरे वर्ल्ड में जो है इंटरलिंकेज होने लगा, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला हमें, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एज ए एक्टिविटी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन आज की बात नहीं है, जब से जो है इंसान ने जन्म लिया है, जब से वो रहने लगा है साथ में, जो दो लोग साथ रहने लगे हैं, 10 लोग साथ रहने लगे हैं, उसके बाद ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज एन एक्टिविटी कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। लेकिन एज ए स्टडी की बात करें, एक सब्जेक्ट की तरह बात करें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लेट आया है। ये कहते थे कि अंटिल द 80s ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के यानी कि 1890s के आसपास ये बताते हैं कि उस टाइम क्या था। देखिए सिविल सर्विस जो है रेस्पॉन्सिबल होती थी कि बहुत से स्पॉइल सिस्टम देखने को मिला है, यानी कि एक काफी जो है इनएफिशिएंसी देखने को मिलती थी सिस्टम में, काफी करप्शन देखने को मिलता था। अमेरिका का हम एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है इसकी। तो वहां पे देखिए इस तरह बजट एलोकेशन के लिए जो है देखा जाता था, कोई ऐसे जो है प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, कोई लोग नहीं है जो प्रॉपर बजट को, अकाउंटिंग को, सारे प्रोसीजर को जो है पूरा स्ट्रीमलाइन कर सके। तो इन चीजों को देखते हुए ही जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए जो है स्टडी की तरफ देखने लगे कि देखिए इनकी इसकी स्टडी प्रॉपर करनी पड़ेगी, तभी ये जो है इसमें सारे बेनिफिट उठाए जा सकते हैं। ये कहते हैं क्या क्या चीजें देखने को, देखिए इनएफिशिएंसी थी, ग्राफ्ट था यानी करप्शन देखने को मिलता था, रिफॉर्म मूवमेंट चलते आ रहे थे पब्लिक इंटरेस्ट में कि देखिए पब्लिक का इंटरेस्ट जो है उसको आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं चीज को देखते हुए देखिए ये चीजें तो चल रही थी, साथ साथ में एक मूवमेंट भी चल रहा था। ये देखिए आप जब पीसीए पढ़ेंगे हम, ठीक है, पीसीएम पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे ना, पब्लिक चॉइस अप्रोच और ये सब जब हमें पता चलेगा, एनपीए हम पढ़ेंगे, तो ये सब पढ़ेंगे तो अब हमें पता चलेगा पूरा रिफॉर्म सिस्टम कैसे चला। अभी एक जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक सब्जेक्ट की तरह इवोल्व हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ एक मूवमेंट भी चल रहा था इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन, तो ये लोग बोल रहे थे कि देखिए इसको एज ए एक यूनिवर्सिटी के अंदर सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये चीजें जब चलने लगी उसके बाद ही देखिए वुड्रो विल्सन का एक ऐसे पब्लिश होता है और जिसका नाम होता है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा जाए, इसी ऐसे से जो है पूरा डिबेट शुरू होता है। अगर वुड्रो विल्सन का आपने प्रॉपर जो मैंने लेक्चर बनाया वो आप सुनेंगे तो आपको चीजें सब समझ आ जाएंगी। ये इंटरलिंकेजेस हैं, ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा लेट करा रहा हूं, वुड्रो विल्सन मैं काफी पहले करा चुका हूं, तो आपको इंटरलिंक करना है। तो ये ऐसे आया था,
तो इस ऐसे के बाद ही देखिए एक डिबेट शुरू हुआ, और उनको लगा कि हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नीड है, इसको स्टडी करने की जरूरत है, इसके भी चीज़ों को जो है पूरा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसकी जो इसके अंदर जो कमियां हैं वो सब निकालनी पड़ेंगी, और उसके बाद इस सिस्टम को जैसे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे उससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाना है, उसके लिए काम किया जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं वुड्रो विल्सन का जो ऐसे था ये बहुत ही एक तरह से लाइटिंग फैक्टर था, ठीक है, इसने पूरा एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करवाया, ठीक है, इसलिए वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए इवोल्यूशन एज ए डिसिप्लिन, अब वही बात होगी, देखिए जब डिसिप्लिन की तरह स्टार्ट हुआ तो हमने देखिए थ्योरीज जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, शुरू में हम टेलर की थ्योरी पढ़ी है, टेलर की अभी नहीं पढ़ी है वैसे, बहुत बेसिक थ्योरी है, ठीक है, गुलिक उर्वी की थ्योरी हम पढ़ेंगे, तो ये जब जो थ्योरी है इनमें देखिए क्या कहा गया, जब डिसिप्लिन की तरह स्टार्ट हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन जब स्टार्ट हुआ तो इसमें बोला गया कि देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ेगी कि पूरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका डेवलपमेंट अब इस साल अब होने लगा है, तो उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ेगी। वुडरो विल्सन के आर्टिकल के बाद तो ये चीज तो समझ आ गई कि एज ए डिसिप्लिन इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, एज ए सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन वुडरो विल्सन में एक विल्सन ने एक बात कही थी अपने एसे के अंदर, लेकिन उन्होंने बोला था एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग चीजें हैं, यानी कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटमी है, डाइकोटमी का मतलब होता है दोनों ही अलग चीजें हैं, यानी कि पॉलिटिक्स का अलग काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का अलग काम है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बहुत चीजें इंटरलिंक है। लेकिन इन्होंने ये बात डिबेट स्टार्ट किया और इसके ऊपर डिबेट होने लगा और लोग ये मानने लगे, उस समय के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट जो चल रहा था, जो मेनली टेलर की राइटिंग के बाद शुरू हुआ, तो उस टाइम ये माना जाता था कि देखिए पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। पॉलिटिक्स का काम क्या है? पॉलिसीज को बनाना, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग या जैसी भी रिक्वायरमेंट है उनको बनाना, स्टेट की जो विल होती है वो पॉलिसीज बनाना। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। ये कहते हैं कि देखिए यूएसए के अंदर देखिए पॉलिटिकल लाइफ जो है बहुत करप्ट पॉलिटिकल लाइफ थी, पॉलिटिशियन पे डिस्ट्रेस था, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं ऐसा माना गया कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग करना पड़ेगा, ये डिमांड उठी, और इसी डिमांड के बाद जो है ये एक तरह से माना गया कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइंस है, एक तरह से साइंस की तरह इसे पढ़ना चाहिए, इसमें हमें ऐसी चीजें निकालनी चाहिए कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाएं, हमें पॉलिटिक्स से जो है कनेक्ट कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ये सब इसमें कहा गया। उसी टाइम जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट चल रहा था, जिसमें जो है टेलर हो गया, गुली करवी को, इन लोगों ने अपनी थ्योरी दी, और लेट 19th सेंचुरी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, 1890s 99 इसके आसपास की बात कर रहे हैं। इन्होंने देखिए क्या एम्फेसिस किया कि एक बेस्ट वे होना चाहिए किसी भी काम करने को, किसी कोई भी काम अगर करना है उसका एक बेस्ट वे होना चाहिए। समझ लीजिए कि आपको यहां से और यहां तक कोई गुड्स लेके जाने हैं, तो हो सकता है कोई यहां से ले जा रहा है, कोई यहां से ले जा रहा है, कोई ऐसे घूम के ले जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कोई भी काम है उसको एक बेस्ट वे होना चाहिए कि ये सबसे बेस्ट वे है, इससे इंडस्ट्री को फायदा होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उस टाइम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट चल रहा था उसमें यही डिमांड होती थी कि एक जो है बेस्ट वे होना चाहिए। ये कहते थे कि पूरी मैनेजमेंट जो है, एडमिन वाज नथिंग बट मैनेजमेंट, ऐसा माना गया कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, ये मैनेजमेंट ही तो है, और इसी के अंदर जो है डिस्कवर करने की जरूरत है कि बेस्ट वे और बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, और इसी को हम प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, ठीक है, हर चीज को मैनेज करने का एक प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो सब यहाँ पे कहा गया। लेकिन देखिए इसके क्रिटिक्स भी निकल के आए, ठीक है, 10-20 साल बाद इसके क्रिटिक्स निकल के आए, जो ये बोलने लगे कि देखिए पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग नहीं कर सकते, एक तो इनप्रैक्टिकेबल है और अनडिजायरेबल है। इनप्रैक्टिकेबल कैसे है? देखिए जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, सारी पॉलिसीज ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटिशियन बना रहे हैं, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैट की रिक्वायरमेंट है, रिसर्च की जरूरत है, प्रीवियस फीडबैक की जरूरत है, सारी चीजों की जरूरत है, तो आप पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कैसे कर सकते हैं? सेकेंड अनडिजायरेबल है, देखिए जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इस तरह अलग करके आप बिल्कुल एक अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को, क्योंकि दोनों चीजें आपस में लिंक्ड है, ठीक है, तो ये यहां पे कहा गया। इसके बाद देखिए और भी कहा कि देखिए एक बेस्ट वे ढूंढने के चक्कर में हम लगे हुए हैं, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के जो ड्रॉबैक्स है उनके बारे में। इन्होंने देखिए कहा कि एक बेस्ट वे है
ठीक है, कोई भी चीज काम करने का, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। बहुत बार चीजें जो होती है एक ही तरीके से, ऐसा नहीं कि बहुत बेस्ट वे हो सकता है, हो सकता है दूसरा वे भी निकल के आ जाए, थोड़े टाइम बाद कोई नई चीज भी जो है उसमें ऐड ऑन की जा सकती है। तो एक बेस्ट वे नहीं होता, काफी बार एक चीज को करने के दो तीन तरीके भी हो सकते हैं। किसी में देखिए कुछ बेनिफिट हो सकता है, किसी में कुछ बेनिफिट हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है। तो एक बेस्ट वे के चक्कर में हम नहीं जा सकते। उसके बाद रॉबर्ट टी गोलम विस्की ने भी देखिए ये बात कही है कि जो इवोल्यूशन हुआ, जो ये कह रहे हैं कि ये काम होने लगा, ये इस पूरा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट है इसी को हम जैसे फेज टू में कह सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और बतानी थी, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर, या नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम निकोलस हेनरी के बारे में पढ़ेंगे। निकोलस हेनरी ने देखिए कुछ पैराडिम दिए हैं, ठीक है, पैराडिम दिए हैं कि उन्होंने एक फेज में डिवाइड किया हुआ है कि 1890 से 30 तक ये फेज था, 30 से 40 तक ये था, 40 से 70 तक ये फेज हुआ, और 70 से अभी तक ये फेज चलता रहा है। तो चार फेजेज है, वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही वो टॉपिक बनता है। ठीक है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, शायद 2014 के मेन्स के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है, डायरेक्ट, तो वो भी हम देख लेंगे। काफी इजी है ये, आप चीजें एक बार समझ जाएंगे ना सारी चीजें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट क्या है, कि एक तरह से एक बेस्ट प्रिंसिपल ढूंढने की कोशिश करना, उसके बाद नई नई क्या अप्रोच आने लगी, ये थिंकर से भी आपको जो है पूरा, देखिए जो भी चल रहा है वो थिंकर कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं वही तो एक नई थ्योरी चल रही है, तो थिंकर से कनेक्ट करके आपको चीजों को समझना है। इसके बाद देखिए इनके अकॉर्डिंग जो है फेज थ्री आया, जिसके अंदर सर्च फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल, देखिए इसमें भी यही था, थर्ड फेज में क्या था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ढूंढने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसे प्रिंसिपल निकालिए जिससे कि एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी, ये सब एंश्योर की जा सके। ये कहते हैं नेक्स्ट फेज इन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसर्न्ड विद द मैनेजरियल फिनोमिना। तो इसके अंदर मैनेजर के अंदर भी जो एंड मैनेजरियल फिनोमिना है उसके अंदर भी जो है काफी रिसर्च की गई, उसके ऊपर काफी कंसर्न किया गया कि मैनेजर्स की कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, या फिर मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें चेंज की जा सकती है जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें तीन ओरिएंटेशन हो सकती है, ठीक है, जो 1930s और 40s के बीच में थी। एक तो ये था कि साइंटिफिक मूवमेंट एज टाइफाइड, सॉरी टिपिफाइड बाय टाइम एंड मोशन स्टडीज। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट चल रहा था 1930-40s में, कि कैसे जो है एक काम को यहां से यहां तक अगर ये काम करना है, या फिर इस काम को देखिए एक दो दिन लगते हैं, तो कैसे टाइम और मोशन का स्टडी कर रहे थे। मोशन का मतलब क्या है कि देखिए अगर इस चीज को यहां से यहां ट्रांसफर करना है, तो सपोज कीजिए मोशन में, इस मोशन में कितना डिस्टेंस लग रहा है, 10 किलोमीटर लग रहा है। अब कोई ऐसा रूट ढूंढा जाए जिससे कि ये डिस्टेंस कम हो जाए, तो ये मोशन कम हो जाए, या फिर एक मशीनरी, देखिए एक गुड्स आप यहां से बनाने लगे, गुड्स वन और गुड्स टू को यहां पहुंचाना है, तो बहुत बार हो सकता है कि इसको यहां से पहुंचाया जा रहा था, या फिर इसको यहां से घूम के यहां से किसी के पास रुक के फिर यहां आना पड़ता था। तो कैसे इस डिस्टेंस को शॉर्ट किया जाए, इस मोशन को शॉर्ट किया जाए, ताकि ये काम अगर 2 दिन यहां लग रहा था तो 1 ही दिन लगे, तो इसको स्टडी किया जा रहा था, और साथ में इस टाइम को भी कम करने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि डिस्टेंस प्लस टाइम दोनों चीजों को स्टडी की जा रही थी, और बेस्ट प्रिंसिपल जो है निकाले जा रहे थे। लेकिन साथ साथ में कह रहे हैं कि देखिए इस तरह की चीजें भी निकल के आई, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है, एल्टन मेयो की अगर हम बात करें तो एल्टन मेयो का के भी जो है कहीं ना कहीं चीजें निकल के आने लगी थी। ये भी मानने लगी थी कि देखिए सिर्फ आप एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए चीज नहीं कर सकते, आपको लोगों के अंदर जो एक रोष है या कोई प्रॉब्लम है इंडस्ट्री को, वो भी चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री पूरा इंसान की वजह से ही चल रही है, तो ह्यूमन रिलेशन को भी समझना पड़ेगा, आप सिर्फ मशीन और टाइम इस पर इन्वेस्ट करके ही पूरा फायदा नहीं उठा सकते। उसके बाद थर्ड हुआ था कि जेनरिक मैनेजमेंट, फोकस ऑन जेनरिक मैनेजमेंट पे फोकस होने लगा, कि कैसे जो है साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये कहते हैं देवर बेस्ड ऑन द फेथ दैट साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ डिजायरेबल एंड पॉसिबल। फिर एक ये भी फोकस चल रहा था कि जेनरिक मैनेजमेंट देखना है हमें, ह्यूमन रिलेशन और ये सब चीजें नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि साइंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्यों डिजायरेबल है और पॉसिबल कैसे है, वो इस पर भी फोकस किया जा रहा था फेज थ्री के अंदर, जो 1930s और 40s के बीच में चल रहा था। जैसे मैंने बताया ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो होथन्स का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एल्टन मेयो का मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, उसके अंदर कैसे लीडरशिप रोल, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, मोरल, इन फैक्टर्स पे जोर दिया गया कि देखिए ये फैक्टर्स अच्छे होंगे तो अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इकोनॉमी जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ये कहते हैं लेकिन इसके बाद भी कुछ चैलेंजेस नजर आने लगे। क्या क्या चैलेंजेस, देखिए काफी जगह हुआ कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ये कहते हैं एम्फेसाइज द नीड टू प्रमोटिंग इंक्रीजिंग साइंस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन लिटरेचर। एक तो ये डायरेक्शन में
एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ने लगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो एज ए कोर्स है वो बढ़ने लगा, कैसे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे, जो हम लिटरेचर्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें कैसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी जाए। इकोलॉजिकल स्टडी होने लगी पब्लिक डोमेन में, यानी कि ये अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो कितनी कितनी चीज़ों से ये इफेक्ट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट किस किस पे हो रहा है, तो एक इकोलॉजिकल अप्रोच निकल के आई। कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उसको कंपेयर करने लगे दूसरी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से। टेम्पोरल जो है होने लगा कि देखिए एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर होने लगा, एक कंट्री का दूसरी से होने लगा, तो कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। ह्यूमन बिहेवियर, हर्बर्ट साइमन की थ्योरी अभी आज हम पढ़नी, आज देखते हैं आज अगर हो गया तो, बना हुआ है रिकॉर्ड करना है, तो ह्यूमन बिहेवियर को कैसे जो है फैक्ट और वैल्यू वो सब चीज़ें भी जो है निकल के आने लगी कि हमें फैक्ट जो हमारा फैक्ट है कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसके अलावा वैल्यूज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे फैक्ट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट। तो ये कह रही ह्यूमन बिहेवियर की जो है इसकी तरफ भी तवज्जुब देने की जरूरत पड़ने लगी। उसके बाद कहते हैं फेज़ फोर आया 1940s to 1970s के बीच में। इस टाइम कहते हैं बहुत बड़े एक थ्योरिस्ट थे मैक्स वेबर, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैक्स वेबर की थ्योरी निकल के आई ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है, नौकरशाही की इनकी देखिए एक निकल के आई कि किस तरह जो एक आइडियल टाइप होना चाहिए। इन्होंने एक मॉडल दिया, ब्यूरोक्रेसी का एक मॉडल दिया। ये कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, और इन्होंने देखिए ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल ऐसा बोले कि स्ट्रक्चरल डायमेंशन दी, इन्होंने जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर के बारे में बताया, स्ट्रक्चरल डायमेंशन भी एक ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, वो सभी मैक्स वेबर में पढ़ चुके हैं तो मैं बार बार यहाँ रिपीट नहीं कर सकता वो चीज़। ठीक है, तो ये देख लीजिए वेबर के बारे में कहा, इन्होंने कहा देखिए कॉन्सेप्चुअलाइज किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या प्रिवेल करनी चाहिए। इन्होंने जो उस टाइम कंट्रीज के अंदर चीजें चल रही थी इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में, इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट कंट्रीज में, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, उनमें जो चल रहा था उसके हिसाब से इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया। और ये कह रहे हैं कि उसके बाद 1950s में लेकिन क्या हुआ, 40s में तो ये चीज़ चल रही थी, 50s में क्या हुआ, क्रॉस कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च होने लगी, इनकी अलग अलग कल्चर में अलग अलग जगह के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी रिसर्च होने लगी और देखने लगा वो कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का जो है रोल बढ़ने लगा। 1960s में न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आ गया, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कहीं ना कहीं जो एक तरह से बिहेवियर की बात है वहीं से रिलेट करता है। इसके बाद ये कहते हैं कि देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट बिहेवियरल एरा आ गया, ठीक है, 60s के बाद जो है पोस्ट बिहेवियरल एरा आ गया पब्लिक पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में ही। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कहते हैं डेवलपिंग एन अप्रोच विच इज इंटर डिसिप्लिनरी। अब देखिए होने क्या लगा, ये चीज़ और डिमांड होने लगी कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से मत देखिए, इसके अंदर बहुत चीज़ें होती है, इसमें फिलोसफी भी होती है, ठीक है, इसके अंदर पॉलिटिक्स भी होती है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी होती है, तो सारी चीज़ों का एक पूरा रूप है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिर्फ एक ही डिसिप्लिन से कनेक्ट नहीं कर सकते, इकोनॉमी से भी कनेक्ट है, पॉलिटिक्स से भी कनेक्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी से भी कनेक्ट है, हर चीज़ों से एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कनेक्ट है। ये कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद देखिए नया कॉन्सेप्ट भी निकल के आ गया 70s में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, दो चीज़ निकल के आई। उसके बाद फिर NPA, ये हम पढ़ेंगे अभी, NPA क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अब बिल्कुल आप समझिए कि कैसे चीज़ें प्रिवेल कर रही है। पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट आया, ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स डिफाइन होने लगे, फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आया, ठीक है, फिर बिहेवियरल अप्रोच आया, बिहेवियरल अप्रोच, फिर पोस्ट बिहेवियरल आया, बीच में वेबर आ गया यहाँ पे, ठीक है, वेबर की ब्यूरोक्रेसी आ गई, बिहेवियरल अप्रोच आने लगा, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आने लगा, ठीक है, और ये सब चीजें आने लगी, और फिर NPA आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, फिर NPM भी आएगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें आने लगी। और अब क्या प्रेजेंट स्टेटस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, देखिए 20-20 साल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक डेफिनेशन दी जाती है, वो चेंज होती रहती है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने आप में चेंज हो रहा है, रोज चेंज हो रहा है, हर दिन जो है कहीं ना कहीं नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही है। देखिए पहले साइंस टेक का कोई एडिशन नहीं था, लेकिन आज साइंस टेक से इतनी जो है इतने पब्लिक का इंटरेस्ट है वो सर्व होता है, ठीक है, पहले सब्सिडीज पैसे जो अकाउंट में नहीं दी जाती थी, अब सब्सिडीज अकाउंट में देने लगे, अब लिंक हो गए हैं, तो चीज़ें टेक्नोलॉजी आने लगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन का रूप जो है चेंज होने लगा। तो इस तरह ही जो है किसी ने बोला भी है, एक थ्योरिस्ट है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बोला इट इज बेटर नॉट टू डिफाइन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है। तो लेकिन अलग अलग एरा में अलग अलग तरीके से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन होने लगा। कभी पहले बोले लगे कि एक थ्योरी निकालिए, एक बेस्ट पॉसिबल वे निकालिए, बाद में क्या ह्यूमन रिलेशन भी इसमें ऐड कीजिए, फिर वह बिहेवियर भी उसको ऐड कर दिए, फिर यह हुआ कि
और कंट्रीज के डेवलपमेंट को भी इसके साथ इंटरलिंक कीजिए, फिर योर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, फिर एनपी आया, एनपीएम आया, तो इस तरह चेंज होने लगा। और इसी के बाद जो है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद क्या नया रोल आ गया एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सब भी चीजें होने लगी। ठीक है, तो यही मैं बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। और लास्ट अगर बात करें तो 1970s के बाद अभी तक क्या चल रहा है, ये कहते हैं नया न्यू डेवलपमेंट इन डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिस्कस्ड अंडर फॉलोइंग हेड्स। अब देखिए कहते हैं नॉर्मेटिव कंसर्न निकल के आने लगे, इंटर थ्योरेटिक लिंकेज लिखन के आने बना लगा, पोस्ट वेबेरियन डिबेट निकल के आया कि कैसे जो है वेबेरियन की जो जो ब्यूरोक्रेसी थी वो उस जो उन्होंने बोला था अपनी जो कि कैसे आइडियल ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो रिलेशन है उस पर भी डिबेट होने लगा, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर डिबेट होने लगा, मार्क्सिस्ट थ्योरी भी आने लगी कि कैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लिंक किया जाए। अब ये देखिए आपको आपको ये लगने लगा होगा कि यार ये नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब क्या, तो मैं ये थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये देखिए ये कहते हैं कि देखिए जब नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट का क्या है, एक वैल्यू क्वेश्चन ये निकल के आया, नॉर्मेटिव क्वेश्चंस एज ए वैल्यू क्वेश्चन। नॉर्मेटिव कंसर्न का मतलब है कि नॉर्मेटिव जो क्वेश्चन निकल के आए, जो एक तरह से हो रहा कि वैल्यू क्वेश्चन निकल के आना कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कैसे एथिकल डाइमा सॉरी एथिकल डायमेंशन। देखिए अब एथिक्स का पेपर भी आ गया तो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं एक एथिक्स होना चाहिए ना, यानी कि एथिकल कंसर्न को ध्यान देते हुए नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट निकल के आया कि आप पहले सिर्फ एज ए साइंस नहीं पढ़ सकते कि आपको हायरार्की रखनी है, ऐसे आपको पूरा सिस्टमेटिक काम करना है, ऐसा नहीं है, एथिकल कंसर्न भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको भी स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं नॉर्मेटिव कंसर्न यानी कि नियो लिबरलिज्म। पहले लिबरलिज्म की थ्योरी थी, अब लिबरलिज्म नए तरीके से निकल के आया है लिबरलिज्म ही, तो कहीं ना कहीं न्यू नॉर्मेटिक जो कंसर्न है उनको न्यू लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, एथिकल डायमेंशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद है इंटर थ्योरेटिकल लिंकेज। जैसे मैंने कहा कि देखिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले इसको पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी कहा गया, यानी कि दोनों अलग अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग है एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि देखिए जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी यूनियन है, इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आती है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी इंटरमिक्सिंग है, यानी कि और जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिक्स है। तो आप ये चीज नहीं कह सकते कि सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन तो है लेकिन ये इंटरलिंकेजेस भी इसके हैं। इसके बाद पोस्ट वेबेरियन डिबेट होने लगा। ये पहले देखिए ये होने लगा कि जो बोल रहे हैं कि वेबर ने जो बोला जो ब्यूरोक्रेसी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहते हैं देखिए वेबर की वजह से तो ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि हर जगह ब्यूरोक्रेसी घुस गई है, ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी है, उसको कहीं ना कहीं डील नहीं किया जा रहा। ये कह रहे हैं पहले जमाना अलग था, आज के टाइम में क्या है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को रैशनल और एफिशिएंट नहीं कह सकते, उसके अंदर जो पब्लिक अप्रोच होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट की अप्रोच होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो पोस्ट वेबेरियन डिबेट जो हुआ कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के रिलेशनशिप को भी समझाने की कोशिश की गई। इसके बाद आया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहा गया, इसके क्रिटिक्स क्या है, ये कहते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया कि देखिए डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, देश के डेवलपमेंट चाहे उसमें सोशल साइंस हो जो भी हो, यानी कि सोशल सर्विसेज हो, नॉर्मल सर्विसेज हो, लेकिन ये कहते हैं इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। ये कहते हैं कि देखिए इसको क्यों लाया गया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो कहीं ना कहीं कुछ जो चीज़ें थी उनको जो है रोकने के लिए ये चीज़ की गई थी। ठीक है, ये कहते हैं कि देखिए आपको पता है कि देखिए पॉलिटिक्स हमेशा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कहीं ना कहीं हैवी रहती है। ठीक है, उसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स की कमांड रहती है, तो उस पॉलिटिक्स की कमांड को खत्म करने के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था। ठीक है, कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लिया ये पॉलिटिक्स की जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि सारा काम तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो फिर पॉलिटिक्स की हमें क्या जरूरत है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो हेड होता है उनको वीक करने के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था, ऐसा जो है क्रिटिक्स निकल के आए 1970s के बाद में। ठीक है, इसके बाद कहते हैं फिर जो है इसके अंदर और भी चीजें कही गई। देखिए ऐसा कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला गया कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन है ये पूरा यूरो सेंट्रिक है, यानी कि यूरोप सेंट्रिक है, यूरोप को जो लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वैसा ही वो सही मानते हैं, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि देखिए ये डिबेट कब चल रहा था, जब कोल्ड वार एरा चल रहा था। कोल्ड वार में क्या था कि दो भागों में बटा हुआ था पूरे जो जो वर्ल्ड था। ठीक है, एक तो यूएस के सपोर्ट में खड़ा था, ठीक है, जो लिबरलिज्म को प्रमोट करते थे, डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे, और दूसरा जो था वो कम्युनिस्ट ग्रुप था,
ठीक है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब हो गया, कम्युनिस्ट ग्रुप थे। तो इन दोनों में कम्युनिस्ट ग्रुप को वीक करने के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट अप्रोच है मार्क्स। मार्क्स की थ्योरी तो आपको पता ही है कि कैसे एक क्लास है जो पूरा रूल कर रही है, और जो लोग नीच पीछे रह गए हैं उनको पीछे ही रखा जा रहा है, यानी कि पैसे वाले के पास पैसा बढ़ता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो एक क्लासलेस जो है, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं डिबेट निकल के आया। यानी कि डायरेक्ट ऐसा नहीं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेड पे रहे हेड है, ठीक है, या फिर जो जो पूरा हेड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो इतना एलिट बन जाता है कि वो पब्लिक से तो मिलता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन से देखने की जो है कोशिश की गई। तो ये एक तरह से जर्नल फ्रेमवर्क बताया मैंने। इसके बाद निकोलस थ्योरी का हम पैराडिम पढ़ेंगे, तो उसको बहुत छोटा सा है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें फेजेज में आपको पता चलेगा इस साल से इस साल तक ये हो रहा था, इस साल से इस साल तक ये हो रहा। ये एक मैंने जर्नलाइज्ड व्यू आपको बताया कि पूरा हुआ क्या। ठीक है, चलिए फिर इस पार्ट में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।